नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ABSS के आह्वान पर आज दिन भर का प्रोग्राम रखा गया है जंतर मंतर पर, और ये महारैली है जिसको लेकर देखिए बाबा साहब की तस्वीर है, तथागत बुद्ध की तस्वीर, और काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आए थे। और आरक्षण तो भी नहीं, पुनः प्रत्यावादन, ये लगातार आंदोलन चल रहा है और काफी संख्या में लोग आए थे। देर से आया हूँ, आरक्षण से बर्बाद होने वाले लोग पता है कितने दलित हुए हैं। देश भर से लोग आए, एक मैसेज प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम आपको प्रधानमंत्री हुए हैं, लगातार इस तरह की खबरों को आपको दिखाया जाए, तो काफी संख्या में लोग हैं। सोचिए जब शाम के 4 बजने वाले हैं, अभी भी जब इतनी संख्या में लोग हैं तो शाम तक कितनी संख्या में लोग होंगे। देश भर से लोग यहाँ आए हुए हैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की रैली के तरह से, और सबने अपने सर पे टोपी लगा रखा है। कल एक शख्स का किताबें तो हमेशा आपको भोजन आंदोलन में किताब बेचेगा ही। हाँ, तो बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति को लेकर, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो आपको, किताब है, युवा है, तमाम लोग हैं, पूरा रामलीला, ये जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था। और अभी सुबह से लेकर अब तक लगातार भाषणों का दौर जारी है और लगातार लोग एकजुट हो रहे हैं। तो तस्वीर आपको सीधे दिखा रहा हूँ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से जो रैली हुई है और उसको लेकर भाषण दे रहे हैं लोग। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं सहारनपुर से। अच्छा, क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आरक्षण बहुजन समाज के जो लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर, हम लोग आरक्षण के हिसाब से जो देश में खत्म किया जा रहा है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश में करेंगे संघर्ष। कौन कौन आरक्षण खत्म कर रहा है? ये जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी। जी जी, पहले काम करने की परिचय दे। जी जी, कहाँ से आए हैं? क्या करते हैं? जॉब में। तो क्या लग रहा है आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? सर, बीजेपी गवर्नमेंट। जैसे तो बचेगी कैसे जब तक जो SC ST OBC वाले जो मेजोरिटी के लोग हैं, जब तक एक साथ नहीं आएंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ नहीं, SC ST OBC के लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और लगातार जो लोग हैं वो टोपी पहन रहे हैं आरक्षण बचाने को लेकर आंदोलन है, और सब पढ़े लिखे तबका जो है आरक्षण की लड़ाई आप कभी लड़ पाएंगे। जय भीम। कहाँ से आए आप? और आरक्षण की लड़ाई आप तभी लड़ पाएंगे जब आप पढ़े लिखे हैं, मजबूत हैं, पढ़ा लिखा जो समाज होता है। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर से आया हूँ सर। क्या करते हैं? एक ऑप्टिकल की दुकान है जी हमारी। तो आरक्षण कैसे बचेगा? आरक्षण जी हम सब मिलकर बचाएंगे। हमें मनुवादी जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है। और इसको कौन है सरकार मनुवादी? ये जो मोदी की सरकार है ये मनुवादी है, कांग्रेस है वो मनुवादी है, और जितना भी ये पद पर बैठे हैं सब ये मनुवादी लोग हैं। तो देखिए, बहुजन समाज का जो पढ़ा लिखा तबका होता है वो ज्यादा सचेत होता है, युवा जो है कितने काम कर ले सर। बहुजन समाज की हमें नहीं चाहिए किसी ब्राह्मण का साथ, हमें नहीं चाहिए किसी ठाकुर का साथ, और बनिया तो हमें काटने का काम करता हमारे साथ नहीं आएगा, कोई भामाशाह हमारे साथ नहीं आएगा। हमें जो मिला है वो इस देश के पूंजीपतियों को देने का काम मोदी कर रहे हैं। मोदी आज निजीकरण के बहाने हमारे SC BC के आरक्षण को काटने का काम कर रहे हैं। इन RSS के लोगों ने सपना देखा है आरक्षण मुक्त भारत बनाने का। इन RSS के लोगों ने सपना देखा है आरक्षण में भारत बनाने का। मैं इन ब्राह्मणों से कहता हूँ, आज इस मुल्क में घोर ब्राह्मणवाद है। आप यूपी के अंदर जाके देखिए, हैदराबाद में गोली से मार दिए गरीब समाज के लड़के, उनमें कुछ निर्दोष भी हो सकते थे। कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ट्रायल किया जाना चाहिए, तो नहीं ट्रायल हुआ। ट्रायल करते आप 10 दिन के अंदर आप उसको फांसी पे चढ़ा देते, तो क्या आप चिनियानंद को गोली नहीं मारोगे? उसको भी गोली से मारो, जेल के बाहर निकाल के। सारे बलात्कारी नेताओं को जेलों से बाहर निकाल के, मुकदमों में जो झूठ लेकर के
घूम रहे हैं, बाहर निकाल के गोली से उड़ाया जाए। अगर इनमें दम है, इनमें जरादू देने का मन है, तो ये गोली से उनको क्यों नहीं उड़ाते? हम किसी दोषी का साथ नहीं देंगे। मुल्क के अंदर दोषी चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसी का भाई है या भांजा है, परंतु उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। परंतु ट्रायल कैसे माध्यम से होना चाहिए? अरे इस तरह से तो आप इंदिरा गांधी को देश भर से लोग यहाँ जमा हुए हैं, मेरे साथ साथी लोग उतर गए हैं। क्या लग रहा है आरक्षण को लेकर, कितनी संख्या थी आप लोग सुबह से लागू किया जाता है? सब जैसे कि आज अच्छा बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो नीचे का जैसे कि सरकार ने पूरी तरीके से आरक्षण पर हमला बोल दिया। नीचे चाहे निजीकरण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियाँ हो, इन सबको लेकर सरकार ने हमला बोला है, उसको लेकर हमारे संघर्ष समिति से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग सुबह 10 बजे आ गए थे और लगातार यहाँ हम लोग सब भीड़। देखिए तमाम पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, हम शिक्षा विभाग में। कल हम एक आरक्षण विरोधी का इंटरव्यू कर रहे थे, वो भी नेशनल दस्तक पे लगाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक आरक्षण बचाने की लड़ाई मजबूत नहीं होगी। क्या करते हैं सर आप? अध्यापक हैं। अध्यापक हैं तमाम लोग। कहाँ से आए आप? रामपुर से। रामपुर से आए तो कैसे बचेगा आरक्षण जी? कैसे बचेगा? एकता तो आरक्षण खत्म कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं मोदी जी, कर रहे हैं सब आरक्षण। तो आप लोग तो उसी को सारा लोग हिंदू बन के आप लोग वोट दे रहे हैं उसको? हम तो वोट नहीं दे रहे हैं, देना नहीं चाहिए वोट। मैं अयोध्या से आया हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा, जब आप हिंदू धर्म को छोड़कर उसको खत्म कर देंगे, जब तक SC BC बौद्ध धर्म नहीं अपनाएगा, जब तक आरक्षण से कटता रहेगा, जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, और हम जब ऐसा कुछ कर जाएं कि हम उनको आरक्षण देने लायक हो जाएं, तो हमारा आरक्षण से बढ़ जाएगा। आरक्षण जो है भागीदारी का माध्यम है। सर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अभी स्थिति देख रहा हूँ कि सेंटर में सही या प्रदेश में सही कोई भी अगर भर्ती होती है वहाँ पे मेरिट में फेरबदल कर दिया जाता है। वहाँ पे SC OBC और ST के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती है, वहाँ जनरल के लोगों को फेरबदल। आरक्षण को लेकर लगातार क्या बोलना है कैसे बचेगा आरक्षण? मैं आनंद स्वरूप जिला महासचिव जिला। आरक्षण कैसे बचेगा वो बताइए ना। आरक्षण में इसलिए ऐसे कि हमारे जो लोग हैं वो पहले पढ़े लिखे वो होने चाहिए, सब वो होने चाहिए, उसके बाद में जागरूकता आएगी। जागरूकता आने के बाद में, जबकि BJP गवर्नमेंट इन लोगों को पढ़ने से ही वंचित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षण बचाने की बात तो बहुत बात की है। आपको लगता है BJP आरक्षण के खिलाफ है? बिल्कुल BJP आरक्षण के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ आरक्षण के खिलाफ, BJP आरक्षण के खिलाफ है। महिलाओं को आप कहाँ से आई हैं? सर मैं रामपुर से आई, जिला रामपुर से। कैसे बचेगा आरक्षण? सर आरक्षण ऐसे बचेगा कि जो हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे, संघर्ष करेंगे और जो मौजूदा सरकार है उसको मंजूर कर देंगे हमारा आरक्षण बहाल करने के लिए। शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हैं और मैं फिर कह रहा हूँ आरक्षण की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, बहुजन समाज के लोग लगातार लड़ रहे हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के जो नेता हैं उनका भाषण होने वाला है, तस्वीरें दिखा रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, अपने सब संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, मित्रों आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का ये आंदोलन जब तक बहुजन समाज एकजुट है, हमारे कार्यकर्ता लोग जानते हैं और इस देश के बेईमान हुक्मरान भी जानते हैं कि हम कितने बड़े आंदोलन का कहना है कि BJP जो है वो आरक्षण खत्म कर रहा है। आरक्षण को लेकर इसको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, दिल्ली के जनता मंच पर बड़ा आरक्षण बचाने के लिए कर रही है और बहुजन समाज जैसे जैसे पद लिख रहा है उसे हिस्सा बन रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।